लिए जाते हैं इसमें ग्लाइकोलोसिस के प्रोसीजर का जहां तक ताल्लुक है तो सबसे पहले आपके पास ग्लूकोस है जो कि ग्लूकोस सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट होता है और इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक एटीपी मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के अंदर एंटर होता है उस एटीपी मॉलिक्यूल के फास्फेट को यूटिलाइज किया जाता है और फास्फेट को यूटिलाइज करके इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ए में जबकि वो फास्फेट ग्लूकोज के सिक्स कार्बन से अटैच होता है तो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है

और ये टू थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में से एक है और दूसरा डाइहाइड्रोक्सियड थ्री फॉसफेट है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं रिवर्सल रिएक्शन का सिंबल आपको शो कर रहा है कि बेसिकली डी ए पी जो है ये नेक्स्ट फेज में एंटर होने से पहले जी थ्री पी में कन्वर्ट हो जाता है तो टेक्निकली आपके पास जो है वो दो पार्ट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पहला हिस्सा जो है वो प्रेपरेटरी फेज होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज हुआ करता है तो यहां पर आपका जो है वो प्रेपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है इसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज है लेकिन अगर हम लोग गौर करें तो प्रेपरेटरी फेज के अंदर आपने ए कोई भी सिंथेसाइज नहीं किया जबकि प्रेपरेटरी फेज के अंदर आपने दो ए टी कंज्यूम कर लिए इसके बाद आपके पास जो ऑक्सीडेटिव फेज आता है ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर जो है हमारे पास एन ए डी प्लस आ रहा है जो कि हाइड्रोजन लेगा फ्रॉम द जी थ्री पी और डी ए पी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एन ए डी एच में सेम रिएक्शन जो है वो दोनों साइड्स पे फॉलो हो रहा होता है बिकॉज हमारे पास जी थ्री पी जो है वो एक डायरेक्ट बना था और दूसरा डी ए पी के कन्वर्जन से बना है तो इन दोनों की वजह से जो है हमारे पास अब दो जी थ्री पी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और दोनों जो है वो सेम रिएक्शन से गो थ्रू करेंगे एक इनऑर्गेनिक फास्ट इसके साथ ऐड होता है और जाहिर सी बात है दूसरी साइड पर भी इनऑर्गेनिक फास्ट ऐड होगा तो अब ये कन्वर्ट हो गया है के अंदर बन जाता है तो सेम प्रोसेस जो है वो दोनों साइड पे होगा तो एक बी वन थ्री बीपी यहाँ पे बनेगा तो दूसरा यहाँ पर एडीपी का मॉलिक्यूल आकर यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से फास्फेट ले जाता है तो अब ये कन्वर्ट हो गया थ्री फास्फोग्लाइसरेट में लेकिन साथ ही साथ जो है वो एडीपी जो है ए टी पी में कन्वर्ट हो गया तो एक ए टीपी आपके पास यहाँ पर भी बनेगा इसकी थर्ड पोजीशन पर फास्फेट था थर्ड से उतर के सेकंड पोजिशन पे चला जाता है तो दिस इज टू फास्फोग्लाइसरेट तो दोनों साइड पे आपके पास टू फास्फोग्लाइसरेट बन गया

लेकिन चूंकि आपने जो है वो टू ए पी शुरू में कंज्यूम किए होते हैं प्राइपर्टी फेज में तो वो आपको पे ऑफ करना पड़ते हैं इन दी एंड जो आपके पास ए टी पी बच जाते हैं वो नेट होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में बताया था इस लास्ट लेक्चर का लिंक जो है यहाँ पर मैं शेयर किए दे रहा हूँ तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एनएडीएच है वो मेटाबॉलिकली टू ए आपको प्रोवाइड करता है मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि टेक्निकली हर एन ए डी है से वाले ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ लेकिन इन दाइटोसोल तो यहाँ पर इनका ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है इनका ब्रेकडाउन रेस्पिरेटरी चेन में ही पॉसिबल है जो कि माइटोकॉन्ट्रिया में है तो थ्री ए में से जो वन ए है वो कंज्यूम हो जाता है इन द ट्रेवलिंग फ्रॉम द तो जो आपके पास बाकी बचते हैं, वो टू तो ए टी पी होते हैं पर एन ए डी एच तो इसलिए आपको जो है वो पर एन जो है वो यहाँ पर भी टू ए अवेलेबल होंगे लाइक वाइज आपको इस एनएडीएच से भी टू ए अवेलेबल होंगे तो फोर ए ये टोटल हो गए इन फोर ए के साथ जो है वो आपको डायरेक्ट ए टी ऑप्टेन हुए हैं और डायरेक्ट ए में ये आपके पास वन टू थ्री और फोर तो फोर आपके पास डायरेक्ट ए हैं और फोर से, तो से आपको ये होते हैं, तो, आपके पास बच जाते हैं। तो अगर आप एनर्जी कैल्कुलेशन को देखते हैं तो डायरेक्टली ग्लाइकोलिस में आपके पास फोर एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं एन से ग्लास में बनते तो सिक्स हैं लेकिन हम लोग फोर काउंट करें क्योंकि टू एग में यूटिलाइज हो गया फ्राम माइटोकॉन्ड्रिया तो ये आपके पास जो है वो टोटल टी एटीपीज हो जाते हैं आपने प्रेपरेटरी फेज में टू यूज किए थे तो आपको पे ऑफ करना पड़ते हैं तो नेट एटीपीज आपके पास 6 बच जाते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप कैलकुलेशन साथ साथ कर रहे हैं तो आपके पास टोटल फोर और नेट टोटल सॉरी एट और नेट सिक्स ए जनरेट होते हैं सो तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू वेरी मच